हेलो चिल्ड्रेन हावर यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग रेली गुड सो चिल्ड्रेन आओ अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर जो कि है गोइंग गोइंग कॉन मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो डू नॉट एग्जिस्ट टूडे सर्टन एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डाइंग आउट एंड मे नॉट बी फाउंड हंड्रेड्स ईयर फ्रॉम नाउ बच्चों कुछ एनिमल और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बहुत साल पहले हुआ करते थे लेकिन अब वो नहीं है वो क्या हो चुके हैं विलुप्त हो चुके हैं ठीक है ठीके? और अभी भी कुछ ऐसे प्लांट हैं ऐसे सर्टन एनिमल और प्लांट हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं अगर अगर हम उन्हें संरक्षित करके नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में वो भी विलुप्त हो जाएंगे और हमें देखने को नहीं मिलेंगे ए फिल द ब्लैंक्स When an animal or plant no longer एग्जिस्ट

विलुप्त हो चुके हैं वो क्या होते है? हमारे हैं हमारे धरती के अंदर समा जाते हैं ठीक है तो साइंटिस्ट उनकी खोज करके उन्हें बाहर निकालते हैं तो वो देखते हैं कि रॉक में उनके क्या है अभी भी अवशेष जिंदा है या पाए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें फॉजल्स कहते हैं सी दिस फ्लाइटलेस बर्ड लिव्ड ऑन एन आईलैंड इन द इंडियन ओशियन द रिमेनिंग फ्यू ऑफ दीज बर्ड्स वर किल्ड बाई यूरोपियन सेलर्स मोर देन फोर हंड्रेड ईयर्स अगो वट वॉज़ दिस बर्ड कॉल बच्चों ये बर्ड जो है जो उड़ नहीं सकता था ये हमारे इंडियन ओशन के आइलैंड में पाया जाता था ठीक है और इनमें से काफ़ी सारे जो बर्ड्स थे उन्हें यूरोपियन सेलर्स ने मार दिया क्योंकि सेलर क्या करते थे वो काफ़ी टाइम तक सेलिंग करते थे ठीक है वो शिप में ही रहते थे तो उन्होंने उनको मार दिया खाने के लिए ताकि वो अपना पेट भर सकें तो इन्हें क्या कहते हैं इन्हें डोडो कहते हैं अब ये इस दुनिया में नहीं है डी वेयर डिड इट लिव अब इन्हीं के बारे में बताया गया है कि ये कहाँ रहते हैं ठीक है ये रहते हैं आपके मॉरिशियस में ई मिलियंस ऑफ इयर अगोज लिजर्ड लाइक एनिमल्स रोम्ड द अर्थ सम वेरी बिग सम वेरी स्मॉल दे वर कॉल्ड अब यहाँ पे बताया गया है कि बहुत साल पहले मतलब मिलियन ईयर अगो लाइक एनिमल -like हमारे धरती पे रहा करते थे ठीक है राज किया करते थे तब एन, हम ह्यूम इस दुनिया में नहीं थे कुछ इसमें से बड़े थे और कुछ छोटे थे इन्हें हम क्या कहते हैं इन्हें डायनासोर कहा जाता है एफ इन अ फेमस मूवी सच लिजर्ड लाइक क्रिएटर्स वर ब्रॉट टू लाइफ इन अ वाइल्ड लाइफ पार्क नेम द मूवी अब इनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिन्हें हम जीवित देख सकते हैं क्योंकि अब तो डायनासोर नहीं है वो हमें देखने को नहीं मिलते लेकिन एक मूवी इनके ऊपर बनी थी जिन्हें हम जीवित देख सकते हैं उन्हें मूव करते हुए देख सकते हैं उन्हें दहाड़ते हुए देख सकते हैं उन्हें बाकी क्रिएचर्स को खाते हुए भी देख सकते हैं तो इस मूवी का नाम क्या है जोरासिक पार्क ठीक है अगर आपने नहीं देखी तो आप ये मूवी जरूर देखना जी डैश वॉज अ स्मॉल एंड फिदर्ड डायनासोर दैट कुड फ्लाई बट इट हैड शार्प टीत बच्चों आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हो ये डायनासोर हुआ करता था जो फ्लाई कर सकता था ठीक है इसके फैद हुआ करते थे और इसके शार्प टीत भी हुआ करते थे इसे हम आक्रिक्स कहते हैं ठीक है आप यहाँ पे इसका नाम फिल करोगे आगे चलते हैं एच दिस क्रिएचर लिवड लॉन्ग अगो एंड लुक्ड लाइक अ ह्यूज फॉर एलिफेंट विथ कर्वड टर्स्क नेम इट डैश अब इस क्रिएचर के बारे में बताइए किसकी तरह दिखता है एक एलिफेंट की तरह दिखता है या आप ये कह लो कि ये एलिफेंट के ही पूर्वज हुआ करते थे इनकी बॉडी में बहुत बड़े बड़े फर हुआ करते थे और इनके जो तीत थे जो टस्क थी वो भी नॉर्मल एलिफेंट से बहुत ज्यादा बड़ी होती थी इनका नाम है वोली मैमोथ ठीक है आप यहाँ पे इनका नाम लिखोगे आई द डैश वॉज अ जेंटल प्लांट ईटिंग डायनासोर दैट वॉज एज हाई एज थ्री बसेज वन ऑन टॉप ऑफ द अदर बच्चों सारे ही डायनासोर फ्लैश ईटर नहीं थे मतलब सारे ही फ्लैश नहीं खाते थे मांस नहीं खाते थे कुछ डायनासोर ऐसे भी थे जो प्लांट्स खाते थे ठीक है और यहाँ पे आपको पिक्चर आपको देखने को मिल रही है इसकी जो हाइट थी वो थ्री बस के बराबर थी मतलब थ्री बस को अगर आप एक के ऊपर एक रखो उतनी ही लंबी इसकी हाइट हुआ करती इसका नाम है डिप्लोडोकस ठीक है जो प्लांट्स खाते थे हरबी थे नाउ जे flesh-eating dinosaur is fondly called T-Rex. It walked on two legs. Name it. बच्चों ये सबसे पावरफुल डायनासोर माना जाता था इसका नाम शॉर्ट में इसे क्या बुलाते थे टीरेक्स बुलाते थे ये दो पैरों पे चलता था और बहुत ही खतरनाक था ठीक है इसका नाम है ट्रेनोसोरस रेक्स ठीक है आप यहाँ पे इसका नाम लिखोगे अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं विच ऑफ दीज आर रीजन वाई समेंजरिंग टिको कुछ रीजन दी गए कि कुछ एनिमल्स क्यों इस दुनिया से विलुप्त होते जा रहे हैं ठीक है सबसे पहला आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पीपल ईट दैम पीपल क्या करते हैं उन्हें हंट करते हैं और फिर उन्हें क्या करते हैं खा जाते हैं तो ये भी एक रीजन है उनके विलुप्त होने का तो आप इसको टिक करोगे सेकेंड पीपल हंट दैम फॉर देयर स्किन व लोग क्या करते हैं उनका शिकार करते हैं एनिमल्स का किसके लिए उनकी स्किन के लिए ठीक है वो उन्हें मारते हैं उनकी स्किन उनसे ले लेते हैं तो इस वजह से भी जो एनिमल्स हैं वो क्या हो रहे हैं विलुप्त हो रहे हैं थर्ड अदर एनिमल्स किल देम अब एनिमल्स क्या करते हैं वो तो अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल्स को मारते हैं तो इससे वो विलुप्त नहीं होते क्योंकि ये क्या है ये उनका फूड साइकिल है ये उनका नेचर है तो ये कोई रीजन नहीं है आप इस पर टिक नहीं करोगे फोर्थ देयर होम्स आर पोल्यूटेड उनके घर जो है वो पोल्यूटेड हो चुके हैं ठीक है थीके? इस वजह से भी वो क्या हो रहे हैं विलुप्त हो रहे हैं देयर होम्स आर डिस्ट्रॉयड अब वो कहाँ रहते हैं एनिमल्स कहाँ रहते हैं जंगल में रहते हैं और हम लोग क्या करते हैं जंगलों को काट देते हैं इस वजह से क्या होता है वो दूसरी जगह उन्हें शेल्टर नहीं मिल पाता जिस वजह से वो क्या हो जाते हैं मर जाते हैं तो ये भी एक रीज़न है उनके विलुप्त होने का तो आप इसे भी क्या करोगे टिक करोगे क्लियर है बच्चों अब आते हैं हम सी पार्ट पे सी नेम टू एंडेंजर्ड एनिमल आपको कुछ दो एनिमल के नाम आपको बताने हैं जो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं विलुप्त होते जा रहे हैं अगर हम उन्हें नहीं बचाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे इस संसार से विलुप्त हो जाएंगे जैसे कि वन आप इसमें लिख सकते हो पोलर बेयर जो क्या हो रहे हैं विलुप्त होते जा रहे हैं ठीक है सेकेंड आप लिख सकते हो टाइगर टाइगर भी विलुप्त होते जा रहे हैं लोग उनका क्या करते हैं शिकार करते हैं उनकी स्किन के लिए तो हमें टाइगर्स को क्या करना चाहिए बचाना चाहिए उन्हें संरक्षित करके रखना चाहिए तो आप यहाँ पे पोलबियर और टाइगर नाम लिखोगे ठीक है अब हम बात करते हैं नॉलेज कॉर्नर की सी लेंथ से सी लेंथ आर फिश दैट साइंटिस्ट थॉट हैड लिव्ड 65 मिलियन ईयर्स अगो बर्ट इन 1938 लिविंग लेकिन थर्टी एट में इन्हें दोबारा पाया गया कहा ठीक है तो ये एक्सटेंट नहीं हुई थी विलुप्त नहीं हुई थी ये जीवित थी और यही पे थी तो क्लियर है बच्चो आपको ये चैप्टर कैसा लगा ये चैप्टर आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा समझ में भी आया होगा अब इसका रिविजन जो है वो आप खुद से करेंगे